सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और भाई शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट सिकुम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपका कोई चैनल है जहां पे वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ रहा है तो कैसे दोस्तों आप इस एक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने चैनल पे वॉचिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों आपसे प्रार्थना ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, कौन सा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने चैनल पर वॉचिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, तभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। इसका मैंने खुद अपने पर प्रैक्टिकल किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे दोस्तों आप अपने इसका इस्तेमाल करके वॉचिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक ऐप है जिसका नाम है XD Rabbit। दोस्तों ये फ्री ऐप है दोस्तों, और इसमें दोस्तों कैसे आप वॉचिंग टाइम बढ़ा सकते हैं, ये दोस्तों कोई फेक ऐप नहीं है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं अगर आप अपने चैनल पर किसी भी वीडियो का वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें मतलब ये ऐसा है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने चैनल का वीडियो डाल देते हैं और लोग उसको देखते हैं वैसे ही करके। दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना वीडियो का डाल देंगे URL, तो दोस्तों जो भी वीडियो का आपका URL है तो उस वीडियो को यहाँ पे लोग देखेंगे। उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए होता है, इसमें आप पॉइंट बाय भी कर सकते हैं और पॉइंट आप अर्न भी कर सकते हैं। पॉइंट अर्न करना बहुत आसान है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको टोटली समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इस ऐप को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके सीधे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों इस ऐप को आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, ये ऐप खुल जाता है। मैं आपको इसके बारे में टोटली चीज बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कोई भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि 3 वीडियो मैंने यहाँ पे डाले थे वॉचिंग टाइम के लिए, और यहाँ पे अच्छे खासे से ये जो जितना मेरा पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग इन पे व्यू आ गया है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कोई भी आप एक वीडियो है उसको आप उठा लीजिए कहीं से, जो आपका URL है जिस जो आपके वीडियो का है उसको आप उठा लीजिए, और क्या कीजिए कि यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपसे कुछ उसके सेटिंग्स के बारे में पूछेगा कि आपका जो वीडियो है और उसका क्वांटिटी मतलब जो व्यू का क्वांटिटी है वो कितना रखना चाहते हैं, वॉचिंग सेकंड्स कितना रखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप मैक्सिमम लगभग 900 वॉचिंग सेकंड्स रख सकते हैं दोस्तों, जो बहुत अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पे, और कम से कम आप यहाँ पे आपको 60 सेकंड रखना होगा दोस्तों। जो आपका यहाँ पे पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 10 व्यू डाल दिए और 60 सेकंड वॉचिंग टाइम मैंने डाल दिया। और दोस्तों ये VIP अकाउंट का दिया गया है कि अगर आपका VIP अकाउंट है तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा कि आपका टोटल पॉइंट कितना इसमें चाहिए इसको यहाँ पे वॉचिंग टाइम दिलाने के लिए। दोस्तों तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 150 सेकंड कर देता हूँ। 150 सेकंड मैंने कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे लगभग मुझे 1200 पॉइंट देने होंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि इसको मैं 60 सेकंड ही रहने देता हूँ, और व्यू को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बढ़ा देता हूँ दोस्तों, मैं 20 व्यू डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने 20 व्यू यहाँ पे डाल दिया, और जो वॉचिंग का सेकंड है मैं यहाँ पे 60 डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पे 1200 मेरे आ गए दोस्तों, 1200 पॉइंट मेरे अकाउंट से कट जाएंगे जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे डन पे मार देता हूँ क्लिक। जैसे मैंने डन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा कि दी टास्क हैज रीचेड 3 कैप्स प्लीज डिलीट ऑदर टास्क। दोस्तों मतलब इसका मतलब ये बोला है कि यहाँ पे आप 3 ही वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हैं, आपको किसी में से एक तीनों में से कोई एक वीडियो यहाँ पे डिलीट करना होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे किसी एक वीडियो को डिलीट कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। और
20 करने के बाद इसको मैं यहाँ पे 7 रन देता हूँ, उस पर डन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरे अकाउंट से यहाँ पे लगभग 1200 पॉइंट कट चुके हैं और टोटल मेरे यहाँ पे 204 पॉइंट बचे हुए हैं और यहाँ पे 20 भी मुझे 60 सेकेंड्स वाटिक टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये फेक ये यहाँ पे इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। कारण ये दोस्तों जितना बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से जुड़कर अपने वीडियो का लिंक डालते हैं, आप उनके वीडियो को देखते हैं, वो आपके वीडियो को देखते हैं, तो कोई गलत नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे पॉइंट अर्न कर सकते हो। दोस्तों पॉइंट अर्न करने का इसमें बहुत सिंपल तरीका है कि आपको अगर आप रात में जो भी डेटा बचता है जब आप नेट इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल दोस्तों आप इसको ऑटो प्ले करके छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों जितना भी वीडियो चलेगा उस वीडियो का क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे सेकंड चलेगा और आपको यहाँ पे पॉइंट बताएगा कि आपका कितना पॉइंट यहाँ पे बनेगा। दोस्तों अभी दोस्तों मैं इसको फ्यूज़ कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जब आप ऑटो प्ले कर दीजिएगा तो दोस्तों ये चलता रहेगा दोस्तों और आपका यहाँ पे पॉइंट आते रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको 20 मिनट में चला लेते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे लगभग 2000 के करीब पॉइंट बन जाता है, जो जिसे आप लगभग अपने वीडियो पे 20 या 20 नहीं 25-30 भी आराम से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इजी है दोस्तों। अब इसको दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हैं पॉइंट को दोस्तों, तो पॉइंट को बाय भी कर सकते हैं। जब इसे यहाँ पे स्टोर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बाय पॉइंट का ऑप्शन है, आपको उस पर यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कितना पॉइंट का कितना कितना आपको यूएसडीटी देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इसको इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्री में, अगर आपके पास पैसा नहीं है इसको बाय करने के लिए तो आप इसको फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत का नहीं है। आप जब भी आपके पास आपका फ़ोन फ्री होता है आप इसको ऑटो प्ले पर करके छोड़ दीजिए, आपका पॉइंट बढ़ता रहेगा और आप किसी भी वीडियो में भी आराम से ला सकते हैं। अगर आप इसको लगभग महीना या डेढ़ महीना कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आपका चैनल नया है जो मोनेटाइज नहीं हुआ है तो उस पर आप आराम से लगभग 4000 वॉचिंग टाइम ला सकते हैं अगर आप इसको महीना डेढ़ महीना इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरीके से ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों क्या कीजिए कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कुछ क्वेरी है इसके बारे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आने वाले दोस्तों वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बना सकते हैं। उसका भी दोस्तों एक टेक्निक है दोस्तों और वो दोस्तों लीगल है दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल कर भी इसी तरीके से आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।